शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाने लई अते पाकिस्तान स्थित गुरु धामा के दर्शन करने लई अज सिख श्रद्धालुआं दा जथा श्रोमणी कमेटी के दफ्तर तो जयकारियां दी गूंज विच अटारी सरहद लई रवाना होया, जिथे विच जाण वाले श्रद्धालुआं दे मनां विच काफी उत्साह देखण नूं मिलिया। श्रद्धालुआं दा कहना है कि असीं वाहिगुरु दा धन्नवाद करदे हां जिन्हां सानूं विछड़े गुरु धामा दे दर्शन दीदारे करन दा मौका दित्ता है। सब तो पहला असी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने साड़ी सात संगत को अपने गुरधामां के दर्शन कराने वास्ते भेज रहे हैं। धन्यवाद करते हैं असी एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी जी का, भारत सरकार का और पाकिस्तान सरकार का, मनदीप मनप्रीत जिहड़े कि सिख मिशन के इंचार्ज हैं, परमजीत सिंह जी जिहड़े हरियाणा गुरुद्वारा के इंचार्ज हैं, तो होर सारे हरकीर्त सिंह जी जिन्होंने इस वीज़ा लवाने पर जोर हिम्मत की है, तो उन्हों का भी धन्यवाद करते हाँ। फिर दोबारा असी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने साड़ी साध संगत को, हरियाणा की साध संगत, पंजाब की, होर सारे इंडिया की साध संगत को अपने गुरधामां के विछड़े गुरधामां के दर्शन कराने वास्ते वीजे लगवा के दिते हैं। बहुत बहुत सब तो पहला असी ननकाणा साहब जावांगे, फिर सच्चा सौदा, पंजा साहब, करतारपुर, तो होर छोटे छोटे गुरु रामदास जी के भी गुरद्वारे ने उत्थे, तो गुरु नानक देव जी के गुरद्वारे, जिन्हें भी गुरद्वारे ने उन्हां दे असी पाकिस्तान की सरकार की सहायता नाल सारे गुरुद्वारे दर्शन करांगे। तो सब तो बाद असी लाहौर डेरा साहब जिथे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई सी, तो महाराजा रणजीत सिंह दे उन्होंने भी बहुत अच्छा स्थान बनया है, उन्हां दी बरसी मनाने वास्ते असी सब तो बाद असी इत्थे लाहौर आवांगे। लाहौर तो फिर साडा वापसी होएगी जिथे सानू पाकिस्तान सरकार अटारी बार्डर से पहुँचा के जाएगी, तो उतों सानू साड़ी अपनी सरकार, भारत सरकार प्रबंधक कमेटी की बस फ्री सेवा जो कर रही है सानू इत्थे अमृतसर हरिमंदर साहब विखे लिया के आएगी, इतों सानू फ्री बस जिहड़ी है दे के हरियाणा विच पहुँचाणगे, जिथे जिथे भी सारिया संगत आईया ने अपने अपने घर पहुँचन। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। सिंह खिलन है जी, मैं पेशे तो हाई कोर्ट च एडवोकेट हाँ जी, तो महाराजा रणजीत सिंह जी दी थां ते असीं जा रहे हाँ जी अज, तो सानू मौका मिलिया, देश ने मौका दिता है भी अपना पिछोकड़ वेखण वास्ते, अपनी पुरानिया गलियां वेखण वास्ते जिथों के असीं बिलोंग करते सां। मेरे नानके ननकाणा साहब तो ने जी, मेरे नाना जी बेदी परिवार तो ने, 17वीं पुश्त हैगी है जी मार बाबा नानक दी, तो बहुत जी सी जी जान दा, तो पहली बार मौका मिलिया, तो सरकार दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो चाहवांगे कि जी अगों भी ऐसे उपराले सरकार लेंदी रहे और ज़्यादा तो ज़्यादा जत्थे भेजे, और जिन्हां वीरां दे नां कट्टे ने वो एक मनक दी गल है, तो कोशिश करनी चाहिए है कि ज़्यादा टैक्निकैलिटी ना पिया जाए, तो एंटीसीडेंट्स देख के लोगों के उन्होंने जान का मौका दिता जाए। सरकार जिहड़ी है बहुत सूझवान होंदी है, जो जिस वजह तो वो ये चीज़ा रिस्ट्रिक्शनस रखती है उनका कोई ना कोई तो कारण होंदा, तो बट एज अ पब्लिक सानू साढ़े सेंटीमेंट्स उनके नाल जुड़े होंगे ने, इस करके सानू माड़ा चंगा लगता, बट कोशिश करनी चाहिए है कि भी टैक्नी इस धर्म के नाँ के उत्ते टैक्निकैलिटी घट की जाए, असल तो वो छोटा भरा ही है पाकिस्तान देश भी, तो उत्थे लोगों को जाने का मौका दिता जाए, जिहड़े उत्थे दे बिलोंग करते हैं उन्होंने दर्शन करन दिते जान। साडी अरदास च असी हर रोज़ अरदास करने कि सानू जिथों जिहड़े साडे विछड़े गुरद्वारे उन्होंने दर्शन कराए जान, तो क्यों ना साडे बच्चों साडे बजुर्गों असी उत्थे लिजा पाईए, तो खुल देनी चाहिए इन्हां कम्मां दी। जिथे की अगवाई कर रहे मैंबर SGPC गुरमीत सिंह बूह ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी संबंधी गुरद्वारा डेरा साहब लाहौर विखे होने वाले समागमों में शामिल होण अते उत्थे स्थित होर गुरु धामां दे दर्शनां लई 277 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट वीजा लगाने लई भेजे गए सन, जिन्हां विचों 266 विजय प्राप्त हुए हैं। अमृतसर तो अजीत वैब टीवी लई हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरों लई तुसीं देखदे रहो अजीत वैब टीवी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाने लिए जिहड़ा जथा अज दफ्तर तो रवाना होने लगा, अज जिहड़ा वाघा बॉर्डर राही 22 फुट
पार करके श्री ननकाणा साहब अज रात का स्टे होएगा। कल नूं गुरुद्वारा साहब लोकल जिहड़े गुरुद्वारा साहब उन्हां दर्शन दारे करन उपरंत गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहब के दर्शन करके जिहड़ा जथा है पंजा साहब हसन बदाल पहुँचेगा। उस तो उपरंत गुरद्वारा डेरा साहब लाहौर पहुँच के गुरद्वारा करतारपुर साहब उत्थों दर्शन दारे करन उपरंत गुरद्वारा रोड़ी साहब के दर्शन करके 29 जिहड़ी जून है उस दिन शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह की बरसी डेरा साहब लाहौर विखे मनाउण उपरंत 30 जून में जथा जिहड़ा वह भारत वतन वापस परतेगा। ये साडी शुरू तो ही मंग रही है भी जिहड़े एक कोरीडोर से जिहड़ी संगत जाती है विदाउट वीज़ा तो ही लाया जाए क्योंकि खुले दर्शन दारे करने वास्ते जिन्ना उन्होंने टारगेट उन्नी संगत पहुँचती नहीं गई वीजे करके सानू दिक्कतां बहुत आउंदियां ने। असीं उत्थों दी सरकार नाल भी गलबात करांगे और असीं भारत सरकार नूं भी अपील करांगे कि वध तों वध जिहड़ी संगत आ कोरीडोर राहीं दर्शन दारे करने वास्ते भेजा जाए। गुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी हरिमंदर साहब। अज साडे सत्कारयोग महाराज रणजीत सिंह जिन्हां ने महान इत्थे राज करके एक मनुखता दा जिहड़ा वा ओह पैगाम दिता बड़ा लंबा समा राज रहा उस राज नूं उन्हां दे राज दी एक उन्हां दा जन्म दिहाड़ा उन्हां दी याद नूं मनाउण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब समूह कमेटी अते दिल्ली कमेटी दिल्ली दीआं संगतां सारियां अज जिहड़ियां महाराज रणजीत सिंह दी बरसी मनाउण वास्ते गुरुद्वारा ननकाणा साहिब पंजा साहिब डेरा साहिब ते सच्चा सौदा गुरद्वारा करतारपुर साहब पक्ष देखो ये सरकारां दी गल है देने चाहिए ने क्योंकि जिहड़े नौजवान साढ़े आ वो इहो जिहे चीज़ां नूं देखण अगे प्रमोट होण क्योंकि जे आपां महाराज रणजीत सिंह जी का राज वेखीए तो बहुत यूनीक राज उन्हां वर्गा राज किसी ने अज तक नहीं किया वो सी गुरु राज कह लो जां गुरु काल का समा कह लो इहो जिहा राज जदों आपां अपने बच्चियां नूं जां अपने यंगस्टरां नूं विखावांगे तो वो इस तरह जिहड़े है वो प्रमोट होणगे देना चाहिए वीज़ा। बहुत मंदभागी घटना है जी गुरद्वारा साहब विखे हमला करना क्योंकि उहदे विच गुरद्वारा साहब विखे तुसीं देखो कोई भी कोई बोला राम राम कोई खुदाए कोई सेवा गुसाइयां कोई अलाए इत्थे कोई भी आ करके नमाज़ पढ़ सकदा इत्थे कोई भी आ करके अल्लाह अल्लाह पुकार सकदा इत्थे कोई भी आके राम राम पुकार सकदा ये सारी मानवता का सांझा कोई वाहगुरू वाहगुरू जपी जांदा क्योंकि ये सारी मानवता का सांझा बड़ा मंदभागी घटना अफगानिस्तान की और सिखां दे मन विच कदी भी कोई डर नहीं रहा ते ना ही कोई डर अज भी है क्योंकि असीं सदा ही अपने गुरु दे प्रति सुचेत हाँ ते गुरु दे प्रति सुहिरद हाँ कोई डर नहीं है सानूं। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।